आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा रेमेडीज यूज़ कर ली हैं और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ कर लिए, लेकिन आप लोगों के बाल लंबे नहीं हो रहे, वो शाइनी नहीं हो रहे, और आप लोग चाहते हैं कि आपके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हों और काफ़ी ज़्यादा शाइनी हो, तो आज की वीडियो में आपके साथ बात करने वाली हूँ एक ऐसे हेयर ऑयल के बारे में जो आप अपने घर पर बना सकते हैं और आप लोगों के बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे और काफ़ी ज़्यादा शाइनी होंगे। और ये हेयर ऑयल आप लोगों के बालों को गिरने से रोकेगा, आप लोगों के बालों को काफ़ी ज़्यादा लेंथी करेगा और आप लोगों के बाल बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे। तो चलते हैं हम अपने हेयर ऑयल की तरफ। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपके बालों को ग्रो करने में हेल्प करती है और ये आपके बालों को काफ़ी ज़्यादा सिल्की करती है, आप लोगों के बालों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा करती है। इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं और ये हर प्रोडक्ट के अंदर मौजूद होती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आपके बालों को ग्रो करने में हेल्प करता है और ये आप लोगों के पास होना चाहिए। आप कोकोनट ऑयल लोगों के बालों के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास सैल्मन ऑयल। ये जो ऑयल है ये मस्कू मछली का तेल कहते हैं और ये इसके कैप्सूल हैं और ये आप लोगों के बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये आप लोगों के पास अवेलेबल होने चाहिए विटामिन ई कैप्सूल। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि विटामिन ई कैप्सूल आप लोगों के बालों को बहुत ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं आप लोगों के बालों के लिए। और ये आप लोग अकेला भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन इस ऑयल में मिक्स करके लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी आप लोगों के बाल ग्रो करेंगे। नेक्स्ट जो ऑयल है हमारे पास वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल हर घर में मौजूद होता है और सरसों का तेल आपको पास आनी कहीं से भी मिल जाएगा, वैसे ये हर घर में मौजूद होता है। उसके अलावा मेरे पास है आलमंड ऑयल, बादाम का तेल। बादाम का तेल आप लोगों के बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और आपको मैं बताती हूँ उसको बनाना कैसे है और कितनी कितनी कौन सी चीज़ डालनी है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल का आपने एक चम्मच ले लेना है अगर आप लोगों के बाल काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन अगर मीडियम है तो आप दो चम्मच लेंगे। एलोवेरा जेल आप लोगों के बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। दो से थोड़े से ज़्यादा चम्मच ले लेना है एलोवेरा जेल के। और इसके अलावा मैं लेने वाली हूँ कोकोनट ऑयल एक चम्मच। कोकोनट ऑयल के बाद मैं लूंगी कॉस्टर ऑयल। ये भी एक चम्मच लूंगी मैं। इसके बाद एक चम्मच है हमारे पास सरसों का तेल। उसके बाद सैलमंड ऑयल का हमने कैप्सूल ले लिया, लेकिन इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, लेकिन ये आप लोगों के बालों को बहुत जल्दी ग्रो करेंगे आप लोगों के बालों के साथ। और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बादाम का तेल एक चम्मच। उसके बाद ऐड कर रही हूँ मैं विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ये हर हेयर प्रोडक्ट के अंदर यूज़ होता है। विटामिन ई के जो कैप्सूल होता है ये आप लोगों के बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप इसको यूज़ लाजमी कीजिएगा इसमें। और ये हम दो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें इसको मिक्स करना है ताकि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाए। आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। और अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर ईवियन के कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप लोगों के बालों को काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करते हैं और आप लोगों के बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, अगर आप लोग चाहें तो वो लाजमी इसके लिए यूज़ कीजिएगा। अपने अपने बालों की डिफरेंट पार्टीशन कर लेनी है, उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है और आपने इसको एक घंटा अपने बालों पर अप्लाई करना है। उसके बाद आपने किसी भी अच्छे से शैम्पू से अपने बाल वॉश कर लेने हैं और आपने इसको हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी अप्लाई करना है। और आप लोग देखिएगा कि आप लोगों के बाल काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और शाइनी हो जाएंगे। और अगर आप इसको हफ्ते में एक दफ़ा या दो दफ़ा यूज़ करेंगे तो आप लोग के बाल बहुत जल्द ग्रो भी करेंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सबको
पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मेरी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑन कर दें। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।